हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, इसके पहले कुछ वीडियोस हमने देखे थे आर्टिकल और डिटरमाइनर्स रिलेटेड, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी इनके ऊपर एरर्स को सॉल्व करेंगे। आर्टिकल की एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमाइनर्स की एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में हमको एरर ही सॉल्व करना है। हम कितना भी थ्योरी पढ़ लें, लेकिन उससे यदि हम एरर नहीं कर सकते तो वो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं आपको आर्टिकल की 20 एरर्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कहाँ पे हमको ए, एन, दा या नो आर्टिकल में से चार ऑप्शन में से चुनना है, तो हम कहाँ पे क्या लगाएंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम पहले नंबर से। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, टीचर मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ निकालें तो शिक्षक को निश्चित रूप से समय का पाबंद होना चाहिए। तो फ्रेंड, इस सेंटेंस में हम देखें तो इसका अर्थ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि एक शिक्षक को निश्चित रूप से समय का पाबंद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए टीचर का मतलब निकलेगा एनी टीचर, कोई भी शिक्षक। दूसरा सेंटेंस आप देखें फ्रेंड, तो कॉफ़ी आई एम ड्रिंकिंग इज नाइस। कॉफ़ी जो मैं पी रहा हूँ अच्छी है। तो देखिए, पहली चीज़ तो हमको ये देखना है कॉफ़ी क्या चीज़ है। कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कॉफ़ी जो मैं पी रहा हूँ। तो जब आप पूछेंगे कौन सी कॉफ़ी, तो कौन सी कॉफ़ी की बात करें, जो मैं पी रहा हूँ वो अच्छी है। दुनिया में देखिए कॉफ़ी हज़ारों जगह मिलती। जब पर्टिकुलराइज करते हैं, जब हम किसी विशिष्ट चीज़ की बात करते हैं, तो हम उसके पहले हमेशा दा लगाते हैं, चाहे वो नाउन जो है कोई सी भी हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो। तो इसलिए यहाँ पे हम द कॉफ़ी लिखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉफ़ी आई एम ड्रिंकिंग इज़ नाइस, जो कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ अच्छी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो आई हैव गॉट हेडेक, मुझे हेडेक हो गया है। जब हम इस तरह से बोलते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, हेडेक का मतलब सर में दर्द है, तो ए या एन हमेशा लगाया जाता है। आई हैव गॉट अ हेडेक, अ बैक एक। फ्रेंड देखिए, ए और एन का आइडियोमेटिक यूजेज किया जाता है, यानी इनको लिखने का एक तरीका है। जब किसी को सर्दी होती है तो हम इस तरह से बोलते हैं हैव अ कोल्ड। जब आपको खांसी हो रही है तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं हैव अ कफ। यदि सर में दर्द हो रहा है तो इसे हम कहते हैं हैव अ हेडेक। पीठ में दर्द हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हैव अ बैक एक, हैव अ फीवर। ठीक है ना, ये बोलने का एक तरीका है। इसमें हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और इसे बिल्कुल सही माना जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है आई हैव गॉट हेड एक। तो यहाँ आपको हेड एक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियोमेटिक यूजेस करते हैं, तो यहाँ पे ए हेड एक लिखा जाएगा, आई हैव गॉट अ हेड एक। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें तो सी गोज फॉर वाक, वह टहलने के लिए जाती है। ये भी ए और एन के आइडियोमेटिक यूजेज में से आता है। तो फ्रेंड देखिए, आइडियोमेटिक यूजेज जो ए और एन के किए जाते हैं, जब किसी वर्ब को हम नाउन के रूप में लिखते हैं तो उसके पहले ए एन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर गो फॉर अ वाक, यहाँ पे वाक जो है ये नाउन के रूप में लिख रहा है, ना कि वर्ब के रूप में। वाक का मतलब निकलेगा टहलना। इसी तरह से ड्राइव, राइड, इनका प्रयोग भी हम टहलने के अर्थ में करते हैं। जब फोर व्हीलर से जाते हैं तो हम उसको ड्राइव कहते हैं। जब आप किसी टू व्हीलर से जाते हैं या किसी जानवर की सवारी करते हैं तो उसे राइड कहा जाता है, और जब हम पैदल जाते हैं तो इसको वॉक कहा जाता है। तो गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए ड्राइव, गो फॉर ए राइड, इस तरह से लिखा जाता है। ये लिखने का एक तरीका है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे आप तो सी गोज फॉर अ वॉक लिखा जाएगा, गो फॉर अ वॉक। दे आर हैविंग ग्रैंड डिनर। तो फ्रेंड, आर्टिकल के नियम जब मैंने आपको बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था जो भोजन के नाम रहते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर, इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। यदि इनके पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो इनके पहले निश्चित रूप से ए आई एन का प्रयोग किया जाता। तो फ्रेंड, यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनर के पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है ग्रैंड। तो एडजेक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हम निश्चित रूप से ए आई एन का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर हैविंग अ ग्रैंड डिनर। नेक्स्ट देखिए, तो दिस काइंड ऑफ मैंगोज इज अवेलेबल नाउ, दिस काइंड ऑफ मैंगोज इज अवेलेबल नाउ, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के आम अब उपलब्ध हैं।
तो देखिए काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। तो यहाँ मैंगोज के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नहीं देखें फ्रेंड, तो हैव यू एवर बीन टू लंदन, अब यहाँ इसका सेंटेंस का अर्थ है क्या आप कभी लंदन गए। नो बट आई हैव रिसेंटली बीन टू पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आर्टिकल के और दा के नियम जब मैंने आपको बताए थे फ्रेंड, तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रॉपर नाउन, विशेष रूप से किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितनी ताकतवर हो, कितना ही महान हो, इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। तो यहाँ आप देखेंगे तो लंदन क्या एक शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके पहले किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। तो लंदन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, हैव यू एवर बीन टू लंदन। लेकिन इसके आगे जो सेंटेंस है, नो बट आई हैव रिसेंटली बीन टू पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो देखिए फ्रेंड, किसी देश का नाम, जैसे चाइना अकेला जब बोला जाएगा तो हम उसको द चाइना नहीं कहते, द अमेरिका, द इंडिया, द इंग्लैंड, ये सब गलत है। लेकिन यदि किसी देश का नाम यूनाइटेड यूनियन ऑफ, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ, रिपब्लिक ऑफ, फेडरेशन ऑफ, ठीक है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इनके पहले हम निश्चित रूप से द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा जाएगा। अगला देखें फ्रेंड, तो टाइटेनिक इज मोस्ट फेमस शिप इन वर्ल्ड। टाइटेनिक दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जहाज है। तो जितने भी देखिए शिप के नाम होते हैं, शिप यानी पानी का जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ट्रेन, रेलगाड़ी, इनके नाम के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ टाइटेनिक के पहले हम लगाएंगे दा। इसके बाद देखें फ्रेंड, तो मोस्ट फेमस शिप, सबसे प्रसिद्ध जहाज, तो यहाँ मोस्ट फेमस ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। अगला देखें तो इन द वर्ल्ड, जितने भी यूनिक चीज़ें होती हैं इनके पहले हमेशा दा लगाया जाता है। तो वर्ल्ड क्या है, यूनिक चीज़ है। और इसके अलावा आप ध्यान रखें कि इनके बाद ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं इनके पहले दा लगाया जाता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द पार्क, इन द लेटर, इन द स्काई, इन द वर्ल्ड, ज़्यादातर इनके बाद आने वाले नाउन के पहले आप देखेंगे कि दा लगाया जाता है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे इनके बाद जितने भी नाउन आते हैं इनके पहले दा लगाया जाता है। 9वें नंबर पे देखें फ्रेंड, तो ही इज़ वॉचिंग हॉरर मूवी ऑन टेलीविजन। तो देखिए आठ से ही समझ में आ रहा है कि वह एक हॉरर मूवी देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग अ हॉरर मूवी। फ्रेंड जब भी कभी देखने सुनने की बात की जाती है, तो यदि किसी जगह लिखा है वॉच ऑन टीवी, यानी ऑन आ रहा है उसके बाद टीवी आ रहा है, तो यहाँ टीवी के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। जबकि यही चीज़ हम रेडियो के लिए बोलें, अगर ये बोला जाए कि रेडियो पर सुनना, लिसन ऑन और उसके बाद आ रहा है रेडियो, तो ऑन द रेडियो लिखा जाता है, ये सही माना जाता है। तो वॉच ऑन टीवी लिखा जाता है, जबकि लिसन ऑन द रेडियो लिखा जाता है। यहाँ पे टीवी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन रेडियो के पहले दा लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मैन लिव्स इन सोसाइटी, मनुष्य समाज में रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैन का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल के नियम में मैंने आपको बताया था यदि मैन का अर्थ निकले मनुष्य जाति या मानवता, तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ मैन के पहले किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैन का अर्थ है मनुष्य जाति, पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। इसी तरह से सोसाइटी, साइंस, फ्रीडम, मैनकाइंड, नेचर, पार्लियामेंट, इनके पहले भी हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। तो यहाँ दोनों ही खालिस्तान जो है इनमें कुछ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रेंड्स अगला देखें तो वुमेन इज जनरली मोर सेंसिटिव देन मैन। अभी सेंटेंस का अर्थ निकालें तो महिलाएं सामान्य तौर पर ज़्यादा भावुक होती हैं बजाय पुरुषों के। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सामान्य तौर पर ज़्यादा भावुक होती हैं। तो यहाँ पर वुमेन का अर्थ जो है पूरी स्त्री जाति से, सारी महिलाएं। इसी तरह से मैन का अर्थ पूरा पुरुष समाज से। तो यहाँ भी देखिए वुमेन का अर्थ यदि पूरी स्त्री जाति से निकलता है, मैन का अर्थ पूरे पुरुष या पूरे मनुष्य जाति से निकलता है, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो इन दोनों ही खालिस्तान में भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा।
अगला देखें फ्रेंड, तो ही गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह मंदिर जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ नाउंस मैंने आपको लिखाए थे, टेम्पल, हॉस्पिटल, मॉस्क, चर्च, जेल, प्रिजन, मार्केट, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह के नाउन को जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, यदि उसी उद्देश्य से उनका प्रयोग किया जाए तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते। जैसे टेम्पल हम काय के लिए बनाते हैं, टेम्पल हम बनाते हैं पूजा करने के लिए, और यदि सेंटेंस से तात्पर्य जो निकल रहा है कि कहीं ना कहीं पूजा करने की बात की जा रही, तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में हम देखें तो वह हर सुबह मंदिर जाता है, तो वह हर सुबह मंदिर काय के लिए जाएगा, पूजा करने के लिए, और मंदिर पूजा करने के लिए ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, टेम्पल के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। दे बॉट टीवी फ्रॉम मार्केट, उन्होंने बाजार से एक टीवी खरीदा। यहाँ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम एक की बात कर रहे हैं, और संख्या एक के अर्थ में हम ए एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ टीवी के पहले हम ए लगाएंगे। अब मार्केट वही उसी तरह से जैसे फ्रेंड्स टेम्पल, जैसे मैंने आपको बताया मंदिर का प्राइमरी पर्पस क्या है, पूजा करना, और सेंटेंस अर्थ निकल रहा है पूजा करना, तो यहाँ इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। इसी तरह से मार्केट काय के लिए बनाया जाता है, मार्केट बनाया जाता है खरीदारी करने के लिए, और यहाँ पे इस सेंटेंस से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ उसने एक टीवी खरीदा बाजार से, तो बाजार में खरीदारी करने से रिलेटेड बात की जा रही है, इसलिए यहाँ मार्केट के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या चीज़ है, सन एक यूनिक वस्तु है, दुनिया की अद्वितीय वस्तु, ऐसी वस्तु जो दुनिया में एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो सभी यूनिक वस्तुओं के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड सन के पहले आएगा दा, द सन। इसी तरह से ईस्ट, जितनी भी दिशाएं होती हैं इनके पहले हम दा लगाते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, तो यहाँ ईस्ट के पहले भी हम दा लगाएंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ट्रेवलिंग बाय एयर इज मच फास्टर देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यदि बाय के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन, आवागमन के साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे किसी जगह जाने के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं कार से दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली बाय कार बोला जाएगा, बाय द कार या बाय ए कार नहीं बोला जाता। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हम हवाई मार्ग से कहीं गए, जैसे मैं लंदन गया हवाई मार्ग से, तो आई वेंट टू लंदन बाय एयर बोला जाता है, बाय रोड बोला जाता है सड़क मार्ग से, बाय वाटर बोला जाता है नहीं, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, सड़क मार्ग से, तो मार्ग बताने के लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ट्रैवलिंग बाय एयर इज मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, यानी वायु मार्ग से यात्रा करना ज़्यादा तेज होता है बजाय रेल या रेल के द्वारा यात्रा करने से। तो यहाँ देखिए बाय के बाद एयर आ रहा है, यहाँ पे बाय के बाद ट्रेन आ रहा है, तो इन दोनों ही जगह हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं, और बाय के बाद यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है तो हम कोई भी आर्टिकल को नहीं लगाते। यहाँ देखें फ्रेंड, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये क्या है, कंपरेटिव डिग्री है। कंपरेटिव डिग्री एक प्रकार का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है जिसको हम कंपरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं, और यहाँ कंपरेटिव डिग्री के बाद आप देखेंगे तो यहाँ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा, तो यदि नाउन नहीं आ रहा है तो आर्टिकल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड तीनों ही खाली स्थान में हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, तो CM प्रेज्ड ऑनेस्टी ऑफ बॉय, मुख्यमंत्री ने लड़के की ईमानदारी की तारीफ की, तो मुख्यमंत्री मतलब कौन, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द CM, द चीफ मिनिस्टर प्रेज्ड ऑनेस्टी ऑफ बॉय। तो फ्रेंड यहाँ आप देखेंगे तो ऑनेस्टी ऑफ बॉय यानी ईमानदारी किसकी, लड़के की। पहली चीज़ तो हमको ये देखना कि ऑनेस्टी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और सामान्य तौर पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते, लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ हम कह रहे हैं लड़के की ईमानदारी, किसकी ईमानदारी, लड़के की, जिसने लड़के ने जो ईमानदारी दिखाई हम उस ईमानदारी की बात कर रहे हैं। तो जब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाता है तो इसके पहले हमेशा दा लगाया जाता है, और लड़का भी कोई विशिष्ट लड़के की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हजारों लाखों लड़के हैं,
उनकी बात नहीं कर रहे, किसी विशिष्ट लड़के की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के के पहले भी दा आएगा, तो तीनों ही जगह दा आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड, तो दे गो फॉर अ ड्राइव ऑन संडेज। अभी मैंने आपको बताया गो फॉर ए राइड, गो फॉर ए ड्राइव, इनमें हमेशा ए आई एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ड्राइव के पहले हम ए लगाएंगे। लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे दिनों के नाम जो रहते हैं, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये दा के नियम जो मैंने आपको बताए उसमें लिखा, उसमें आपको मैंने क्लियरली लिखा है। जिन लोगों ने ये वो वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो वो उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें सारे नियम आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ संडे, संडेज जो लिखा है, इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगा। फ्रेंड 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज इन सच हरी दैट ही फॉरगॉट हिज बैग इन बस। वह इतनी जल्दबाजी में था कि वह अपना बैग बस में भूल गया। अब देखिए इन सच हरी, ये भी ए और एन के आइडियोमेटिक यूजेज रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए आइडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए और एन, इसमें मैंने आपको कुछ पहले बताए, कुछ और इनमें ऐड कर सकते हैं अपन। जैसे इन अ हरी लिखा जाता है जब हम कहते हैं जल्दबाजी में, इन अ रेज बोला जाता है जब हम कहते हैं क्रोध में, आवेश में, इन अ डायलेमा यानी होता है दुविधा में, असमंजस में, इन अ टेम्पर इसका मतलब भी वही होता है गुस्से में, क्रोध में, आवेश में, इन अ जिफी का मतलब होता है तुरंत, इन अ मूड का मतलब होता है, जैसे इसके आगे हम गुड या बैड जोड़ते हैं, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड, यानी अच्छी मनोस्थिति में, बुरी मनोस्थिति में। तो ये ए और एन के आइडियोमेटिक यूजर रहते हैं, इनको हम इसी तरह से लिखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखें तो ही वॉज इन सच हरी, तो इन अ हरी ये आइडियोमेटिक यूजेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ए लिखेंगे, इन सच अ हरी दैट ही फॉरगॉट हिज बैग इन द बस। किसी पर्टिकुलर बस की बात कर रहे हैं कि वो किसी बस में, जिस बस में वो यात्रा कर रहा था, उस बस में वो अपना बैग छोड़ आया, वह इतनी ज़्यादा जल्दी में था। सी हैज नेवर रेड होमर्स इलियाड। देखिए इलियाड ये क्रिश्चियन लोगों का एक ग्रंथ होता है जिसको होमर नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। तो यदि किसी धार्मिक ग्रंथ के पहले कोई पॉसेसिव केस का प्रयोग किया जा रहा हो, जैसे इलियाड को हम अकेला लिखेंगे तो द इलियाड लिखा जाता है, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसी दाई इलियाड लिखा जाता है। लेकिन इसके पहले क्योंकि पॉसेसिव केस आ रहा है तो यहाँ पे फिर हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगा सकते। सी हैज नेवर रेड होमर्स इलियाड, उसने होमर के इलियाड को कभी नहीं पढ़ा है। बट सी हैज रेड बाइबल, तो बाइबल क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथों के पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बाइबल के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। एस्किमोज लिव इन हाउसेज ऑफ स्नो। जितनी भी हिस्टोरिकल स्पीसीज होती हैं, हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें, हिस्टोरिकल स्पीसीज, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक प्रजातियां, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक घटनाएं, इन सब के पहले दा का प्रयोग किया। फ्रेंड्स एस्किमोज भी हिस्टोरिकल स्पीसीज में आता है, तो द एस्किमोज बोला जाता है, जैसे द एस्किमोज, द रेड इंडियन, द निग्रोज, द आर्यंस, तो ये क्योंकि ऐतिहासिक प्रजाति है, इसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। द एस्किमोज लिव इन द हाउसेज। अब हाउसेज क्यों लगाएंगे, क्योंकि उन पर्टिकुलर हाउसेज की बात कर रहे हैं जिसमें कि एस्किमोज रहते हैं, तो यहाँ पे भी दा आएगा। द एस्किमोज लिव इन द हाउसेज ऑफ स्नो। स्नो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूजली हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ स्नो के पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। फ्रेंड्स ये हमने 20 एरर्स देखी आर्टिकल के ऊपर, और इनसे जुड़े हुए नियम रूल्स जो रहते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करें। आई होप कि ये आपको वीडियो ना केवल पसंद आएगा बल्कि आपकी जो नॉलेज है, जो रूल्स की नॉलेज है और आर्टिकल्स की एरर को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, वो आपको पसंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। यदि आप जब एरर करते हैं घर पे और आपको कोई पेपर सॉल्व करते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोचिंग का, हमारा जो कोचिंग संस्थान का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो
फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हेल्पफुल होगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।